पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा कृषि मेला, प्रदर्शनी और किसान सम्मान समारोह का आयोजन राजकीय उद्यान गोरखपुर के बिंदवाशनी पार्क में किया गया, जिसका उद्घाटन खजनी के विधायक संत प्रसाद ने फीता काट कर किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कैंपियरगंज के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह के अलावा कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर आयोजित किसान मेला एवं प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों संस्थाओं द्वारा अपने उत्पाद से संबंधित कुल 32 स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार स्वरूप 7,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपए प्रदान किया गया। साथ ही कृषि एवं संबंध विभागों के 53 कृषकों को विकास खंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र एवं 2,000 रुपए प्रति कृषक सम्मानित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक संत प्रसाद और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा, माननीय चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और संयुक्त कृषि निदेशक गोरखपुर, उप कृषि निदेशक गोरखपुर द्वारा माल्यार्पण, ये भी जला दी, चलिए गोरखपुर मंडल के है कृषि विभाग के मुखिया संयुक्त कृषि निदेशक गोरखपुर मंडल गोरखपुर डॉक्टर रणवीर सिंह सर, युवक कृषि निदेशक आदरणीय संजय सिंह सर, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी इस तरीके से करिए कि ज्यादा पैदावार मिले, ज्यादा जमा हुआ तो हमारा एक्चुअली जो प्रोडक्ट आता है उसका वो नहीं जा रहा है, बाकी खर्च करने की और 30,000 पौधा है, 1,50,000 सबसे ज्यादा आलू का लाभ मिला ये 2.5 महीने में 80-90 और अपने आप से बोने से गन्ने की 45 गन्ने की 2 लाख किलो होगी, 40 क्विंटल 2 लाख का लॉस, एकड़ में कितना हो रहा है 2 लाख का 40 क्विंटल लॉसो एक एकड़ में सर। और गंगा 2 है सफेद और ये टमाटर सर पहली बार गन्ने में जा रहा है, ये भी गन्ने में, हाँ ये भी गन्ने का, ये भी अतिरिक्त लाभ गन्ना तो अलग सही है, मान ले 2,000% अगर पैदावार मानक, इसका खर्च कितना है हेक्टेयर पे, इसका दो क्विंटल सर बीज लग रहा है, 2 क्विंटल बीज हाँ लग रहा है, हो गया। वैज्ञानिक किसानों को अपनी तकनीकी जानकारी दिया, कैंपियरगंज के लोकप्रिय विधायक है, मतलब इसमें क्या है कि आपको मिनिमम प्रीमियम दर पे पूरे देश में एक भाग में गठित किया गया है खरीद के, इसी को अगर हेक्टेयर में खरीद में एकड़ में ले जाए करूंगा कि माननीय फतेह बहादुर सिंह निदेशक गोरखपुर संरोध माननीय चौधरी चरण सिंह जी जिनका जन्मदिन आज है, इनको स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस जनपद में कार्यरत किसान, जैसा मैंने पहले बताया उद्देश्य इसका बहुत सालों से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कृषि विभाग की योजनाओं के माध्यम से, किसान पाठशालाओं के माध्यम से, कि वर्ष 2022 तक किसान भाइयों की आय दुगनी करनी है। सरकार, केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी और साथ में कृषि विभाग सरकार के द्वारा निर्धारित योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में लगा हुआ है और यहाँ पे जिन किसान भाइयों ने उत्पादन का उच्च मानक स्थापित करके पुरस्कार जीता है तो निश्चित रूप से वो एक फ्लैग बियरर है जनपद के बाकी किसानों के लिए कि किस प्रकार
अधिक उत्पादन प्राप्त करके उन्नत तौर तरीके प्राप्त करके कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जो जाइए आप उधर जाइए मालक आप ठीक है। रुपए का प्रश्न श्री राम जी दुबे पीछे कर लीजिए हम लोगों का ऐसे पकड़ रहे लगे रही है पात्र। इन्होंने सरसों उत्पादन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है 7,000 रुपए का 31.15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब माल्यार्पण अंग वस्त्र प्रशासी पात्र इन्होंने धान उत्पादन प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है 7,000 रुपए। श्री उपेंद्र डॉक्टर रणवीर सिंह सर बहुत बधाई आप जो लोग पुरस्कार पा चुके हैं माला पहन करके यहीं बैठे रहेंगे भी उनकी बात में ग्रुपिंग भी होगी। गंगा प्रसाद जी कैंपियरगंज इनकी माननीय मंत्री जी कैंपियरगंज के क्षेत्र के हैं ये श्री गंगा प्रसाद लक्ष्मीपुर के आने वाले हैं। केला उत्पादन पर प्रथम पुरस्कार संयुक्त रूप से शंकर लाल मीरा देवी श्रीमती मीरा देवी खजनी गाय दूध उत्पादन पर मत्स्य पालन पर मोहम्मद शमसुल इस्लाम पुरस्कार। श्री विकास राज बीज उत्पादन पर श्री अजय कुमार सिंह भट्ट श्री भैया राम सिंह पिपर अंग वस्त्र प्रशासी पात्र माल्यार्पण पात्र है। वो पुनः माल्यार्पण पीछे जाइए पीछे 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 हो जाइए चलिए स्वर्गीय चरण सिंह का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया इन लोगों का यह है कि किसानों को सम्मानित किया जाए और उनकी ये घोषणा थी कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। उस दिशा में किसान हमारे सहयोगी हैं और 75% से ज़्यादा लोगों के जीविका का आय साधन खेती। किसान मजबूत होगा तभी प्रदेश और देश मजबूत होगा। किसानों की ये स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा उसको बढ़ाने के लिए हम किसानों को आगे कर रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं जिससे ये लोग और आगे बढ़ें। चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में किसान सम्मान दिवस के अवसर पर किसानों को जो अच्छे किसान हैं जिनके खेतों में उपज बड़े पैमाने पर हुई है उन्हें पुरस्कृत करने का काम हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का निर्देश भी है हम लोगों को कि किसानों की आय दुगनी करने में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें वो हम लोग कर रहे हैं।